नमस्कार, मैं अब्दुल्ला हिंगोरा म्यूज़ हाई स्कूल भुज की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहा जाता है। शब्द संरचना में मूल शब्दों में कुछ शब्दांश या शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। हिंदी में शब्द संरचना की प्रक्रिया तीन प्रकार से होती है। उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास या संधि के द्वारा। हमने पहले वीडियो में उपसर्ग के द्वारा शब्द संरचना या उपसर्ग किसे कहते हैं ये हमने जाना है। आज हम प्रत्यय के द्वारा जो शब्द संरचना बनती है वो आज हम जानेंगे, यानी कि प्रत्यय किसे कहते हैं वे हम जानेंगे। वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक शब्द है लिख, उसके साथ आवट प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बनता है लिखावट। इसी प्रकार लड़ के साथ आई शब्दांश जुड़ने से लड़ाई शब्द बनता है दया। शब्द के साथ आलू प्रत्यय जुड़ने से दयालु शब्द बनता है। तो इन तीन शब्द लिख, लड़ और दया के साथ क्रमशः आवट, आई और आलू जैसे प्रत्यय जुड़ने से तीन नए शब्द बने हैं, जैसे लिखावट, लड़ाई और दयालु। प्रत्यय के भेदों के बारे में जाने, यानी कि प्रत्यय के प्रकार, तो मुख्य रूप से प्रत्यय के दो भेद किए गए हैं। एक है रुत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। हिंदी में मुख्य रूप से कर्तुवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक कृत प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। कर्तुवाचक कृत प्रत्यय का उदाहरण देखें तो यहाँ पे एक कोष्टक बना हुआ है जिसमें कर्तुवाचक प्रत्यय, मूल शब्द और प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द हमें दिखाई देता है। तो पहला शब्द है प्रत्यय अक्कड़, जो मूल शब्द पी और बुल जैसे शब्दों के पीछे जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, जैसे कि पियक्कड़, पुलक्कड़। वैसे ही आक प्रत्यय शब्द है तैर, शब्द बनता है तैराक। आका प्रत्यय लड़, उड़ जैसे शब्दों के पीछे जुड़कर लड़ाका, उड़ाका जैसे शब्द बनते हैं। आड़ी प्रत्यय है जैसे कि खेल, खेल के साथ
आड़ी प्रत्यय लगने से खिलाड़ी, अनार, अनाड़ी, ऊ प्रत्यय जैसे कि खा, खाऊ, कमा, कमाऊ, एरा प्रत्यय जैसे कि लूट, लुटेरा, कमा, कमेरा जैसे शब्द बनते हैं। दूसरा प्रकार है कर्मवाचक, तो कर्मवाचक में औना जैसे कि बिछ, बिछौना, खेल, खिलौना, ना प्रत्यय जैसे कि गा, गाना, ओढ़, ओढ़ना, नी प्रत्यय जैसे कि ओढ़, ओढ़नी, सुंग, सुंगनी। इसी प्रकार करणवाचक प्रत्यय आ, धेर, धेरा, ई, बुहार, बुहारी, रेत, रेती। ऊ प्रत्यय जैसे कि जाल, झाड़ू, न प्रत्यय बेल, बेलन, ढक, ढक्कन। भाववाचक वृत्त प्रत्यय के बारे में देखें तो आई प्रत्यय जैसे कि बुन शब्द है तो बुनाई, पढ़, पढ़ाई, आवट प्रत्यय आवट, लिख, लिखावट, मिल, मिलावट, आहट जैसे कि चिल्लाहट, गड़गड़ा, गड़गड़ाहट, आव प्रत्यय तो बह, बहाव, बच, बचाव, नच, नचाओ। क्रियावाचक कृत प्रत्यय के बारे में जाने तो ता प्रत्यय है जैसे कि चल, चलता, खा, खाता, जा, जाता। या प्रत्यय के बारे में देखें सज, सजाया, दिख, दिखाया। दूसरा एक प्रत्यय है ते, ते जैसे कि चल, चलते, चलते, सुन, सुनते, सुनते। प्रत्यय का दूसरा प्रकार तद्धित प्रत्यय, इसके बारे में देखें तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द है कला, जो एक संज्ञा है, उसके अंत में कार प्रत्यय लगने से कलाकार शब्द बना है। इसी प्रकार मीठा, जो एक विशेषण है, उसके पीछे आस प्रत्यय लगने से शब्द बना है मिठास। अपना, जो एक सर्वनाम है, उसके पीछे पन प्रत्यय लगने से शब्द बना है अपनापन। बाहर, उसके पीछे ई प्रत्यय लगने से शब्द बना है बाहरी। तद्धित प्रत्यय के विभिन्न भेद हैं, जैसे कि स्त्रीलिंग वाचक, कर्तुवाचक, स्थानवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, बहुवचनवाचक, संबंधवाचक, लघुतावाची और कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय जैसे भेद।
किए गए हैं।